ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बेटे बाप दादा की 13 जून 2023 की अनमोल मामा के सुनते हैं। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठा। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती अर्थात देवी देवता बनना है। प्रश्न है, शिव बाबा की बरिहारी किस कर्तव्य के कारण गायब हुई है? उत्तर है, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्क नॉट अ पेनी से वर्क पावन बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान पति से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बरिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे भी किसी काम के नहीं थे। गरीब निवास बाबा आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासीपन से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बरिहारी गाते हैं। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ तो होती है ना, यह फिर जगत अम्बा है मातेश्वरी। तुम तो जानते हो किसके महिमा है, जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है ना। जगत अम्बा कौन है ये भी कोई नहीं जानते हैं। परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच है, उनकी जीवन कहानी कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है, कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी पूजाएँ आदि दिखाई जाती है उतनी तो है नहीं, वो तो उनकी महिमा के लिए गाए जाते हैं, इतने उनको हाथ थे वगैरह। वास्तव में पूजा तो मनुष्य को दी दो होती है। परमपिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की है दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो ही भुजाएं होती है, ऐसे चार हाथ आठ हाथ ऐसे नहीं होता है। ये प्रतीक है, हम भगवान की सभी मददगार हैंड्स हैं, हम राइट हैंड्स हैं उसका, वो यादगार है। लेकिन ऐसे किसी भी मनुष्य को और हो भी ना किसी को तीन या चार, वो भी एबनॉर्मैलिटी मानी जाएगी, नॉर्मल नहीं है। सूक्ष्म अवतार में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाते हैं विष्णु जी को। बाकी ऐसे नहीं कि विष्णु जी को भी ना या नारायण को चार हाथ है, नहीं, दो हाथ लक्ष्मी दो हाथ नारायण की। बाकी मनुष्य की मनुष्य को कोई चार भुजाएँ नहीं होती, ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएँ दिखाई है। देवियों को इतनी भुजाएँ देते हैं वह है नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए, वास्तव में है कुछ नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे, श्री कृष्ण का रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का, हनुमान जी का, गणपति का, सबका रखेंगे, राम सीता गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चौं चौं का मुरब्बा होता है ना, ऑक्यूपेशन कोई का भी नहीं जानते हैं। मालूम होना चाहिए इन्हों को हम क्यों पूछते हैं, भला इनसे भी और कोई ऊंच है? ऊंच से ऊंच कौन है? भक्तों में मुख्य शिरोमणि नारद गाए जाते हैं और फीमेल्स में शिरोमणि मीरा संत मीराबाई। कहानी लिखी है, जब स्वयं लक्ष्मी का स्वयंवर होता है तो फिर नारद मुनि गए थे। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह है ही नर्क, ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक बात नहीं। इस समय सब मेल फीमेल द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। द्रौपदियाँ पुकारती है, हे भगवान नंगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नंगन होने से बचाया। अभी बाबा आए हैं सब द्रौपदियों की रक्षा करने के लिए। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी भी विवस्त्र नहीं होंगे, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, हम वरने के लायक है या नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं अपने आप को, चुकी के लिए कह रहे हैं। हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार हैं, प्रवेश है ना। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। सतयुग में एक बच्चा होता है, वो भी योग बल से होता है।
पहले से ही साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है, हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया इतनी भुजाओं वाली देवियाँ होती नहीं, लक्ष्मी नारायण को भी दो ही भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु डायनेस्टी, उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। मातेश्वरी साइन करते हुए भी सही में भी लिखती थी ना ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता की मुख वंशावली हम हैं, एक है कलयुगी ब्राह्मण और दूसरे हैं संगमयुगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले मुख वंशावली और हम हैं रूहानी यात्रा कराने वाले मुख वंशावली। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य देवता बनते हो, इनसे मुख्य है मम्मा। इनमें कौन है मुख्य? हमारी मम्मा मातेश्वरी है जिसकी इतनी महिमा करते हैं। वो है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती है जिसे इक्कीस जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगत अम्बा को दो भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी दो भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया, नारायण को काला बना दिया और लक्ष्मी जी को गोरा बना दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट अभी कलयुग में हो सकता है, लेकिन सतयुग में नहीं, सब गोरे गोरे हैं। नारायण सावरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, या श्री कृष्ण सावरा हो और राधा गोरी हो, बाबा जी समझाते इस समय सब सावरे हैं, मन विकारी हैं, पतित हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले हो गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती, फिर वह नाम थोड़े ही रहता, इस समय वह आत्मा तमोप्रधान अवस्था में है, सतयुग आदि में है। देवी देवताएं वही 84 जन्म लेंगे, यह है 84 जन्मों का चक्र। तो बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी, मम्मा की महिमा अलग है, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे बनाए, काली को भी देखो ऐसे जीभ दिखाते हैं, बहुत भयानक, और जीभ भी लाल ऐसे बाहर निकाली हुई ऐसे दिखाते हैं ना, मुंह से बाहर निकली हुई। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते, फिर काली भयंकर कहाँ से आई, काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी जो वायलेंस करने वाली, हिंसा करने वाली। देवताएं तो डबल अहिंसक है, हिंसा नहीं करते हैं, हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं, किस्म किस्म के चित्र है, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही है। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते, बस और कुछ नहीं, बाकी सब इतने चित्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती नहीं, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात, तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर युग और कलयुग। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलि है रात, और है घोर अंधेरी रात, फिर दिन होता है। बाबा कहते हैं मेरा जन्म भी संगम युग पर ही होता है, मना संगम युग पर ही बाबा दिव्य ब्रह्मा के तन में आते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं। कलयुग का अंत घोर अंधेरा होता है और सतयुग का आदि घोर सोजरा होता है, संगम पर ही बाबा आकर के समझाते हैं। बस इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, यह है ही पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आते तो सब वर्थ नॉट अ पेनी होते, कोई वैल्यू नहीं हमें, है ना, बाबा है इसलिए वैल्यू है।
यह ही पतित दुनिया अगर शिव बाबा नहीं आते तो अर्थ नॉट ऑफ एनी होते, बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते। इस समय सब तमो प्रधान पतित है, सब दुखी है। पहले पावन आत्माएं आती है तो सत्व प्रधान है, फिर सत्व रजों तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे होता है, छोटा बच्चा भी सत्व प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सत्व रजों तमो में आना ही है, फिर चेंज करना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बाप बना देते, बाप को न जाने के कारण सबको याद करते रहते, कितने चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास बहुत चित्र रहते थे, ब्रह्मा बाबा के पास, उसमें भी मुख्य श्री नारायण जी का चित्र रखते थे बाबा। सिख धर्म का होगा तो भगत शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो गुरु नानक को आदि की याद करेंगे। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी है, सतनाम करता पुरुष अकाल मूरत अयोनिज निर्वय निर्वैर सतयुग आदि सत है भी सत, होशी भी सत, यह जो चक्र है सत है, फिर यह चक्र जरूर लगाएंगे, ये सब बाबा समझाते। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग है और सावरे श्री कृष्ण का अलग दिखाते। कहाँ फिर शिव को भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी रखते हैं, ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर के तुम बच्चों को सृष्टि के आगे मध्य अंत का राज समझा कर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते। वह तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते। बुढ़ियों को पूछो तुम कहाँ जाती हो, माताएं बोलो कहाँ जाती है, तो कहेंगी हम भगवान की कॉलेज में जाती है। ना बहुत नशे से माताएं कहते हैं ना, हम भगवान की कॉलेज में जाती हैं। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वह है ही आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते लॉर्ड कृष्णा, अमेरिकन लोग जब देखते हैं ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम लाख दो लाख भी दे देते हैं। पुरानी चीज़ें हैं इसलिए प्राचीन चीज़ देखते हैं तो लाख रुपया देने को भी तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं, पुरानी चीज़ है ना, पुरानी तो 5000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते, भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का भी मंदिर बनाते हैं, बाबा समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नरक बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल। फिर ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होती होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। फिर गीता कहाँ से आई, वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए, इस्लामी नॉलेज थी क्या, इब्राहिम आया तो आकर के उसने इस्लाम धर्म स्थापन किया ना, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। यहाँ यह गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं मेरी ग्लानी नंबर वन करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, जब ऐसी ग्लानी होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित है, सबको सारी विश्व को पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ, इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। बाबा का ही मेन काम है ना, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, सारी बातें कहते बाबा कहते, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भवन बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीख कर सो देवी देवता बनती हो, यह है राजयोग सीखने की गॉड फादर यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको तीन पैर भी पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ, यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु तीन पैर भी पृथ्वी के नहीं मिलते, मैं हूँ गरीब निवास।
कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। बाबा का वर्षा बच्चों को मिलता है, वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। ऐसा पति अपनी पत्नी को नहीं कह सकता है कि तुम मेरी दासी हो या क्या कहते हैं जूते जूते हो या चप्पल हो, नहीं नहीं कह सकते। बाबा आकर दासी पने से हमें छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्रे के बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा करें मुख्य सार है, पहली पॉइंट रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट है देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है, नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदय देने वाले निमित्त निर्माण हो। मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदय देने वाले निमित्त और निर्माण भोग। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी यह भी संकल्प उठाते हैं कौसा कि मैंने किया तो यह मैपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देगा। बाबा की सेवा है, बाबा करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी भूले नहीं, वो करा रहा है, हम निमित्त बनकर के कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः ही होगा। निमित्त हूँ निर्माण हूँ, निमित्त हूँ निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। कौन सा दरवाजा बंद करना है? मैपन का। स्लोगन, जो होली हाउस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो होली हाउस है बाबा कहते हैं उनकी विशेषता क्या है? स्वच्छता। तो हमें खुद को स्वच्छ खुद बनना ही है, पवित्र बनना ही, औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। तो ऐसे मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण। भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।